बस्मिनक्रम आज हम टेंथ क्लास साइंस ग्रुप की वन पॉइंट वन सॉल्व करेंगे तो बुक मैं ओपन कर लेती हूँ बुक में क्वेश्चन नंबर महान के स्टेटमेंट पढ़ते हैं लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके अंदर लिखा हुआ है ये जो हमने आपको इक्वेशंस दी हुई हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन सेवेशन जो है वो प्यर कॉड इक्वेशन हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ए एक्स का स्क्यर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स का स्क्यर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन है तो so, यहाँ पे जो ए बी और जो सी है ना वो कोई भी नंबर हो सकता है इसकी जगह पे और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं इसमें क्या होता है जो बी की वैल्यू होती है यानी कि जो सेंटर में जो एक्स के साथ है ना कोफ़िशेंट वो ज़ीरो हो जाता है और जब बी ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है इसकी इसका आ, है ये है हमारे पास ये एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सेवन तो ये दोनों जो हैं ब्रैकेट के अंदर हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ फिर सेकेंड वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने ठीक है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्केर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स आ जाएगा प्लस सेवन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन एक्स आ जाएगा प्लस माइनस माइनस सेवन थ्री सर ट्वेंटी वन इक्वल टू माइनस सेवन ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद ये ये ऐसे हो गया अब एक्स का स्केयर प्लस थ्री एक्स में से माइनस सेवन एक्स को जब निकालेंगे तो फोर एक्स आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन वन्ट और ये माइनस सेवन जो है जब इक्वल कुछ साइड पे आएगा तो हो जाएगा प्लस सेवन इक्वल टू तो जीरो ठीक है अब इसको बार से सोल्व करें एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स एक, माइनस ट्वेंटी वन में इसे जब सेवन को माइनस करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस फोर्टीन तो एक्स का स्केर प्लस फोर एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू तो जीरो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये आप बताना है कि ये क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वारटिकवेशन ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड थ्री माइनस एक्स डिडेड बाई सेवन इक्वल टू वन तो इसमें बटे के नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं आपने उनको इलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई कराना है बोथ साइड पर थ्री सेवजार क्या होता है थ्री सेवन हजार होता है थ्री सेवन हजार यानी कि बटे के नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको मल्टीप्लाई करा के तो आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है बोथ साइड पे थ्री सेवन हजार ट्वेंटी वन ठीक है तो आपने लिख देना है यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन से इक्वेशन की बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कराना है हर हाँ टर्म के साथ यानी कि एक्स का के प्लस फोर बाई थ्री वाली टर्म के साथ अलीहदा मल्टीप्लाई करना है एक्स बाई सेवन के साथ अलग मल्टीप्लाई करना है और वन के साथ अलग मल्टीप्लाई करना है तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे ट्वेंटी वन इंटू एक्स का के प्लस फोर डिवाइड बाई थ्री माइनस ट्वेंटी वन इंटू एक्स बाई सेवन एक टू वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन अब कटिंग कर लें जो नीचे वाली वैली है वो वाली के साथ कटिंग हो जाएगी थ्री वन सा थ्री थ्री सेवन से ट्वेंटी वन हो गया इधर और जो सेवन वन जो सेवन सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन अब जो कटिंग करने के बाद जो टर्म्स बच बाकी बच गई हैं उनको लिख देना है सेवन इंटू एक्स का स्क्यर प्लस फोर माइनस थ्री एक्स यानी कि थ्री ये बच गया यहाँ पे एक्स बच गया इक्वल टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन वन जार ट्वेंटी वन आ गया ये वजह जो सेवन है ये सेवन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंडर ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ सेवन को एक्स के के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेवन एक्स का प्लस सेवन फोर जो ट्वेंटी एट माइनस थ्री एक्स ऐसे ही और ये प्ला प्लस ट्वेंटी वन जब इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक हो गया सेवन एक्स का स्क्यर ऐसे कैसे आ गया ट्वेंटी एट में से थ्री एक्स को माइनस थ्री एक्स को ना स्टार्ट पर लिख दिया गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में की तरह बनाने के लिए सेवन एक्स का स्क्यर माइनस थ्री एक्स अट्ठाईस में से सिक्स को निकालेंगे तो सेवन आ जाएगा प्लस सेवन इक्वल टू जीरो तो ये जो हमारे पास अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है यानी कि एक्स का स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यहाँ पर जो ए है अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग्स यहाँ पर जो ए है वो सेवन है बी जो है वो माइनस थ्री है सी जो है वो सेवन है दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो हमारे पास ये है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री की आ, हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू सिक्स तो आप देखना है इसके अंदर कि आपने बाय के नीचे कितनी ड्रम्स हैं एक एक्स है और दूसरी हमारे पास है एक्स प्लस वन यानी कि इस एक्स को और एक्स प्लस वन बटे बा, के नीचे जितनी भी वैल्यूज है उनको आपने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करा देना है आप लिख देना मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस बोथ साइड तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड पे तो देखिए सर क्या आएगा इधर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स डिड बाई एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन ठीक हो गया मल्टीप्लाई करा दिया अब कटिंग करनी है तो नीचे वाला एक्स प्लस वन ऊपर वाले एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया यानी कि ये वाला एक्स प्लस वन एक्स प्लस से कटिंग हो गया ये वाला नीचे वाला एक्स ऊपर वाले एक्स से कटिंग हो गया तो अब नीचे क्या वैल्यू बच गई यहाँ पे बच गई एक्स का स्क्वायर इधर एक्स का स्क्वायर बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इन दोनों को ये दोनों बच गए इक्वल टू सिक्स एक्स को ना मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स आ जाएगा ठीक हो गया अब आप नेक्स्ट जाना है ये इन दो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई करा देना है एक्स का स्केर ऐसे कैसे ही आ जाएगा और प्लस इधर क्या आएगा एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्केयर प्लस एक्स को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स अब वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा और वन को वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन इक्वल टू सिक्स एक्स का स्केयर प्लस सिक्स एक्स ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा अब आपने देखना यहाँ ये भी एक्स का स्केयर की वैल्यू है ये भी एक्स की स्केयर है ये दोनों सेम है तो ये दोनों प्लस हो रही हैं इसका कोविशियन वन है इसका कोविशियन वन है ठीक है इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर आ जाएगा टू एक्स का स्क्यर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स हो गया प्लस वन इक्वल टू सिक्स एक्स का स्क्यर प्लस सिक्स एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा आप नीचे जाएंगे अब देखिए ज़रा यहाँ पे सिक्स एक्स का स्क्यर बड़ी टर्म है और टू एक्स का स्क्यर जो है वो छोटी टर्म है तो जो बड़ी टर्म्स होती हैं ना वो अपनी जगह पे रहती हैं छोटी वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो उसके पास जाएंगी यानी कि इन सबको हमने उठाकर इक्वल की साइड पे ले आई और जब इन सारी टर्म्स को इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे जो प्लस वाली वैल्यूज़ होंगी वो सारी वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी सिक्स एक्स का स्क्यर ऐसे कैसे आ जाए आ गया टू एक्स का स्क्यर जब इक्वल की साइड पर जाएगा तो आ जाएगा माइनस टू एक्स का स्क्यर प्लस सिक्स एक्स अपनी जगह पर प्लस टू एक्स जब के उस साइड पे जाएगा तो वो आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन जबल के इक्वल के साइड पर जाएगा तो आ जाएगा माइनस वन अब आपने इसको सोल्व कर लेना है सिक्स में से टू को माइनस करेंगे तो आ जाएगा फोर एक्स का स्क्वायर सिक्स में से टू को माइनस करेंगे तो प्लस फोर एक्स और माइनस वन ऐसे कैसे इक्वल टू जीरो अब ये क्या है दिस इज स्टैंड ये हमारे पास आंसर आ गया तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉर्ड इजेशन ये हमें बताना था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो अब बटे के नीचे कितनी वैल्यू है एक हमारे पास एक्स है और एक्स माइनस टू है तो आपने लिख देना है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस टू जब हमने इक्वेशन के दोनों तरफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ठीक है तो मल्टीप्लाई करा दिया इस टर्म के साथ अलीहदा इस टर्म के साथ अलहदा और इस टर्म के साथ, 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 साथ इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो के साथ लैदर मल्टीप्लाई कराएंगे और जीरो के साथ जितनी मर्जी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही याद आता है इसलिए ये वैल्यू जीरो ही हो जाएगी इक्वल को साइड पे ज़ीरो ही हो जाएगा कटिंग कर लेनी है एक्स माइनस टू नीचे वाला ऊपर वाले एक्स माइनस टू से कट गया इधर नीचे वाला एक्स ऊपर वाले एक्स से कट कर्ट गया कटिंग करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको लिख देना है एक्स इंटू एक्स प्लस फोर बच गया है यहाँ पर माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू बच गया प्लस फोर अब देखिए फोर एक्स जो है ये ब्रैकेट है तो ये फोर एक्स जो है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फोर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स का स्केयर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फोर टू जर एट इंटू एक्स इक्वल टू जीरो ठीक हो गया अब देखिए ज़रा ये वाला एक्स को आपने मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना है एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स का स्केयर आ जाएगा एक्स को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा अब माइनस टू को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा और माइनस टू को जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस जर प्लस हो गया टू टू सर फोर प्लस फोर एक्स का स्क्वायर माइनस एट एक्स ऐसे और इक्वल टू जीरो अब एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ब्रैकेट ऐसे लगेगी एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स ठीक है माइनस माइनस प्लस होती हैं माइनस टू के अंदर जब माइनस टू को प्लस करेंगे तो माइनस फोर एक्स आ जाएगा प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर एक्स का स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो नीचे जाएंगे एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स ये वाला माइनस जो है अंदर वाली हार्ड ब्रैकेट के अंदर वाली हार्ड टर्म्स का साइन चेंज कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर ये वाली ऐसे कैसे आ जाएगी प्लस फोर एक्स का स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्ल टू जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा अब देखिए कटिंग हो रही है ये वाला प्लस एक्स का और ये वाला माइनस का है तो ये कट जाएंगे तो अब क्या बचा यहाँ पे हमारे पास फोर एक्स का स्केयर बच गया और यहाँ पे फोर के अंदर फोर एक्स के अंदर जब फोर एक्स को प्लस करेंगे तो एट एक्स आ जाएगा प्लस एट एक्स माइनस एट एक्स ये वाला और माइनस फोर इक्ल टू तो ज़ीरो अब ये एक प्लस का है एक माइनस का है ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच गया फोर एक्स का स्केयर माइनस फोर इक्ल टू तो ज़ीरो इन दोनों में से फोर कॉमन ही कर रहा है यहाँ भी फोर है यहाँ भी फोर है फोर कॉमन ही कर रहा है जब फोर कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू तो जीरो और ये जब और ये वाला जो फोर है ये इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम जीरो के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो को जिस मर्ज़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जीरो ही आता है तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्यर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो खत्म हो गई हुई है एलिमिनेट हो गई हुई है बी जो है वो इसमें नहीं एक्जिस्ट कर रहा तो इस वजह से ये आ जाएगी प्योर फॉर्म वो आपने लिख देना है बी इज़ इक्वल टू जीरो तो दिस इज़ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वारंस ठीक है यहाँ तक समझ आगी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर फ़ाइव इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर वन का ना पार्ट नंबर फ़ाइव है तो ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फ़ाइव को अब एक्सप्लेन करते है। इसको हैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये देखें ये हमारे पास है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव बाई एक्स टू वन तो बटे के नीचे जितनी भी वैल्यूज है आपने सेम उसी तरह उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत साइड में मल्टीप्लाई करा देना है बटे के नीचे कौन सी वैल्यू है एक हमारे पास एक्स है एक हमारे पास एक्स एक प्लस फोर है तो आपने नीचे लिख देना है मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस फोर ऑन बोथ साइड हर टर्म के साथ लैदा इसके साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस की जगह माइनस ऐसे कैसे आ गए इस टर्म के साथ अलहदा मल्टीप्लाई किया इक्वल टू वन के साथ अलहदा मल्टीप्लाई किया इसके साथ ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग कर लेनी है तो कटिंग नीचे वाला एक्स प्लस फोर ऊपर वाले एक्स प्लस फोर सा कैंसिल हो गया नीचे वाले एक्स ऊपर वाले एक्स के साथ कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास बाकी बच गई उनको लिख लेना है एक्स बच गया इंटू एक्स प्लस थ्री बच गया माइनस अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे ही एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्केर आ गया प्लस फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स आ गया ठीक है आगे इस एक्स को मल्टीप्लाई करें अंदर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्केर आ गया प्लस थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एक्स आ गया माइनस मैंने माइनस है ना फाइव तो इसलिए ब्रैकेट्स मस्ट लगाएंगे जब ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया एक्स का स्क्यर और जब एक्स को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव एक्स फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स और जब फोर को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव प्लस माइनस माइनस फाइव फोर से ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज कर देने इक्वल टू एक्स का स्क्यर प्लस फोर एक्स एक्स का स्क्यर प्लस थ्री एक्स ऐसे का ऐसे ही माइनस अब देखिए ज़रा ये दोनों टर्म जो हैं ये भी एक्स के ये भी एक्स के, के हैं तो प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस पाँच में से चार को निकालेंगे तो वन एक्स आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस यानी कि माइनस एक्स आ गया माइनस ऐसे ट्वेंटी ऐसे ही इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अब ये वाली जो माइनस है जब हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू तो एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स आ गया देखिए कटिंग हो रही है ये वाला प्लस एक्स का स्केयर माइनस एक्स के स्केयर से कैंसिल हो गया और ये वाला थ्री एक्स जो है और ये वाली एक्स की वाली वैल्यू है और ये वाली भी एक्स वाली है यानी कि ये थ्री एक्स है और ये वन एक्स दोनों को प्लस हो रही हैं प्लस 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 होता है चार के अंदर एक को जमा करेंगे सॉरी तीन के अंदर एक को जमा करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स ठीक है तो आप देखिए ज़रा ये ना ये एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स जो है वो अपनी जगह पर रहेगा फोर एक्स प्लस ट्वेंटी को इक्वल की साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा ना यानी कि जो वैल्यूज़ को हम उठा के दूसरे साइड पे लेके जा रहे हैं एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स ऐसे कैसे प्लस फोर एक्स जब इक्वल कुर्स साइड पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी जब इक्वल कुछ साइड पर जाएगा तो आ जाएगा माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो अब ये वाला फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स से कटिंग हो गई तो हमारे पास क्या बात क्या वैल्यूज़ बाकी बात एक्स का स्क्र माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो ये कौन सी इक्वेशन है ये प्योर फॉर्म है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये हमारे पास है दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है ये थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये प्योर फॉर्म है हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उछल जाते हैं ये ना इस क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट है तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेल्व तो अब क्या करना है यानी कि यहाँ पर हमारे पास बाई के नीचे यानी कि बटे के नीचे तीन वैल्यूज़ हैं एक हमारे पास यहाँ पर ट्वेल्व है एक हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस थ्री है और थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस टू आपने लिख देना है मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस